पहाड़ की मात्र शक्ति ने हर बार ये साबित कर दिखाया है कि वो किसी से कम नहीं है। उत्तराखंड देवों की भूमि है और इसी भूमि में महिलाओं का स्थान भी ऊंचा है। पहाड़ की महिलाएं घर चलाने के साथ उद्यमिता और स्वरोजगार में भी आगे हैं और अब इसी कड़ी में एक और नायाब चीज जुड़ गई है और वो है मंदिरों में पुजारी का काम। आप हैरान जरूर होंगे लेकिन ये सच है, पिथौरागढ़ के सिकड़ानी गांव में स्थित योगेश्वर कृष्ण मंदिर में पहली बार दो महिला पुजारियों की नियुक्ति की गई है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर पीतांबर अवस्थी ने विधि विधान से मंजुला अवस्थी को मंदिर का मुख्य पुजारी और सुमन बिष्ट को सहायक पुजारी की जिम्मेदारी सौंपी है। इस ऐतिहासिक क्षण में दोनों महिला पुजारियों का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। हो सकता है पहले भी मंदिरों में महिला पुजारी रही हो लेकिन हाल के समय में उत्तराखंड में ऐसा पहला मामला है, यानी ये महिलाएं अब घर चलाने के साथ साथ मंदिर के पुजारी की भूमिका भी निभाएंगी। दोनों ही महिलाएं पूरे देश और समाज के लिए प्रेरणा है। मंदिर समिति ने इन रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर महिलाओं को पुजारी बनाकर महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। ये महिलाएं एक उदाहरण है उस नारी शक्ति के लिए जिन्हें समाज में एक समय में आगे नहीं आने दिया जाता था। सही मायनों में यही है बदलते उत्तराखंड की सुखद तस्वीर जिसे अन्य राज्य भी एक प्रेरणा के रूप में ले सकते हैं। देखते रहिए देवभूमि डायलॉग।